वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाले। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल जो कि आप पार्टी में वेडिंग में बना सकते हो, वो भी सेल्फ है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले वीडियो। ये मेकअप मैंने कैसे किया इसका वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है जो पार्टी वेयर हेयर स्टाइल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ जुड़ा पिंस एंड एक रबड़ बैंड की जरूरत पड़ेगी। एक रबड़ बैंड की मदद से ये पार्टी बना के क्रिएट बना सकते हो एंड अपना लुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मेकअप देख सकते हो आप, नेचुरल लुक है, आप आराम से कर सकते हो। दुल्हन पे भी अगर आपको नेचुरल आई मेकअप लुक देना है तो ये आप देख सकते हो आप। मैंने आई लैसेज नहीं लगाई, यहाँ पे आई लैसेज लगा के आप अपने आई मेकअप को और भी ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो हेयर स्टाइल करने वाली हूँ वो साइड पार्टीशन से करूँगी और इस तरीके से फ्रंट के हेयर को छोड़ दूँगी दोनों साइड से। बाकी सारे हेयर में एक पोनी बना लूँगी। लो हाई वो आपकी चॉइस है, आपको कितना कैसा बनाना है हेयर स्टाइल। आप चाहो तो हाई भी रख सकते हो, चाहो तो लो भी रख सकते हो। मैं ज़्यादा लो हेयर स्टाइल पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको मीडियम में रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करती हूँ। ओके, इस तरीके से करने के बाद फिर जो हमारा एक साइड का जिधर हमारे हेयर कॉम है उस साइड के हेयर को लेना है, देन ट्विस्ट करना है, अच्छे से क्लीन ट्विस्ट करना है, कहीं से बेबी हेयर्स वगैरह ना दिखे। बेबी हेयर अगर दिख रहे हैं तो आप उसको सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हो, जिससे कि बेबी हेयर ना दिखे। और बेबी हेयर को कैसे सेट करना है उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, सारी वीडियो भी बताती हूँ लगभग, तो आप जाके चेकआउट कर दीजिएगा। इसी हेयर स्टाइल में भी अगर बेबी हेयर बहुत ज़्यादा दिखेंगे तो मैं उनको हाइड करके दिखा दूँगी। फिर अगर पोनी के हेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है और दोनों पार्ट्स को एक सिंपल चोटी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बना लेना है। पहले मैं एक चोटी बना रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि हमको इस चोटी से बन बनाना है। बहुत ज़्यादा टाइट करोगे तो आपका बन जो है वो छोटा बन सकता है, इसलिए लूज हाथों से पोनी चोटी को बनाना है। ओके, ज़्यादा यहाँ पे खींचेंगे भी नहीं और इस तरीके से पोनी के चारों तरफ लपेट के रबड़ बैंड के यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। दो तीन यू पिन अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि आपका जो पार्टी बन है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे एंड कहीं से ख़राब ना हो। अब जो हेयर बचे हुए हैं उनको भी एक चोटी बना लेंगे। सिंपल चोटी तो सभी को आती है, सिंपल सी चोटी बना दी आपके यहाँ पे। चोटी बनाने के बाद से आपको हेयर को इस तरीके से पोनी के चारों तरफ लपेट देना है और यू पिन से इसको अगेन सिक्योर कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना कम बालों में भी यहाँ पे अच्छा सा हमारा यहाँ पे बन बन के रेडी हो चुका है। अच्छे से मैंने अपने बन को सिक्योर कर लिया है। अब जो फ्रंट के हेयर बचे हुए हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। ओके, और इस साइड के जो हेयर हैं इनको सिंपली ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद से इस तरीके से आगे की तरफ पुल करेंगे जिससे जो हमारी ट्विस्टिंग है उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम दिखे, और ट्विस्टिंग के सारे हेयर को ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और बन के चारों तरफ लपेटते हुए यू पिन से सिक्योर कर देंगे। बहुत प्यारा सा बन बन के यहाँ पे रेडी होने वाला है। अब जो ये हेयर है इनको भी ट्विस्ट करेंगे। आप चाहो तो लेयर निकाल सकते हो और नहीं निकालना है तो आपकी मर्जी है।
मैं यहाँ पे आज के जो आज का जो हेयर स्टाइल है इसमें लेयर नहीं निकाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींचेंगे। और ये वाला जो हमारा लेयर है ये काफ़ी छोटा है जिसकी वजह से पूरा जुड़े के चारों तरफ नहीं लपेट सकते हैं। तो यहाँ पे हम बॉबी क्लिप का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा जो हेयर है वो खुल ना जाए बाद में। ओके, तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब यहाँ का जो हमारा हेयर है ये बहुत फ्लैट दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग इस तरीके की कॉम्ब लेंगे पूंछ वाली और यहाँ से खींचेंगे इसको। खींचने से क्या होगा कि हमारा एक पफ बन जाएगा और बालों में जो क्राउन एरिया पे फ्लैट लुक दिख रहा है, पतले बालों में अक्सर यहाँ पे फ्लैट हो जाता है, तो इस तरीके से खींच लोगे तो एक वॉल्यूम भी आ जाएगी और आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप पीछे बन को सजाने के लिए फ्लावर वाला बन या फ्लावर वाले यूपिन या फिर गजरा जो भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो अपने बन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और पार्टी वेयर दिखाने के लिए। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल आपको, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और जो ये मैंने मेकअप किया है आज का ये भी ज़रूर देखिए, और इसको देखने के लिए मेरे सेकेंड चैनल पर जाइए जिसका नाम प्रीत तिवारी 2 है। और कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल, आई होप कि गाइस पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की न्यू वीडियो आपको डे बाई डे देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, इंस्टाइड 24 है तो वहाँ पर भी जरूर जाइए। बाय।